जैन दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेनर के एक नए वीडियो पे। तो एक न्यूज़ है और उस न्यूज़ से रिलेटेड एक स्टॉक है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो। माइक्रो कैप स्टॉक है, तो अगर आपको माइक्रो कैप स्टॉक से रिलेटेड सारे रिस्क पता है तो जरूर आप वीडियो को आगे एंड तक देखें। आपको स्टॉक के बारे में हम बताएंगे और उस पर एंट्री, एग्जिट और टारगेट भी बताएंगे, ठीक है। सो स्टॉक के पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ अभी ये है कि ग्लोबली जो है इंटरनेशनल शॉर्टेज चल रहा है कंटेनर्स का, ठीक है। एंड कंटेनर्स के प्राइस जो है वो स्काई हाई हो चुके हैं। इससे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनीज है, जो भी रॉ मटेरियल मंगाती है या जो भी एक्सपोर्ट करती है, उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। एंड ये जो राइज है वो इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चर करती है 85% से ज़्यादा शिपिंग कंटेनर्स। एंड वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से चीज़ें स्लो हो चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से भी कंटेनर का शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है। सो ये जो शॉर्टेजेस है इसके वजह से जो है क्या हो रहा है कि लेमन टर्म में अगर आप समझोगे तो कंटेनर प्राइस आर एट स्काई हाई, ठीक है। सो उनके वजह से जो है कंटेनर्स अवेलेबल सब कोई के पास नहीं हो पा रहे हैं। सो शॉर्टेजेस हो रही है रॉ मटेरियल्स की, शॉर्टेजेस हो रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस में, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट के रेट भी हाइक हो रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारे, अगर आप जस्ट कंटेनर शॉर्टेज करके गूगल में या ट्विटर पे सर्च करोगे तो आपको बेसिकली बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे जिसको में कंटेनर शॉर्टेज को इंटरनेशनली कंटेनर शॉर्टेज बोला गया है, ठीक है। तो कौन से स्टॉक को बेनिफिट होगा? अपन लोग तो इन्वेस्टर ट्रेडर है ना, हमेशा अपॉर्चुनिटीज की ताक पे रहते हैं। तो कौन से स्टॉक को बेनिफिट होने जा रहा है, चलिए इस पर देखते हैं। सो द स्टॉक इज लांसर कंटेनर, ओके। लांसर कंटेनर जो है ये स्टॉक है, ये जो है कंटेनर की ट्रेडिंग करता है, ठीक है। कंटेनर की ट्रेडिंग करता है, बाकी सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा कंटेनर्स की ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को हैवी बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम पे इस शॉर्टेज की वजह से। स्टॉक के बारे में बात करूँ तो आज के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉक 303 पे है, ऑल टाइम हाई पे। आज ये 14 रुपये बढ़ के 5% का जो ये सर्किट फिल्टर है वो लगा था इस पर। तो स्टॉक जो है वो माइक्रो कैप एक कंपनी है, ठीक है। तो अगेन डिस्क्लेमर, आपको इस स्टॉक पे जो भी आप ट्रेड वगैरह करने जाओगे वो अपने समझ बूझ के अनुसार करना, और जो है आपको माइक्रो माइक्रो स्टॉक माइक्रो कैप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना आता हो तभी आप कूदिएगा, क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक्स में काफ़ी रिस्क रहता है, ठीक है। एंड जो ये जो स्टॉक है इसका जस्ट कुछ वीक्स पहले 200 करोड़ का मार्केट कैप होता था, एंड नाउ ये 300 करोड़ के मार्केट कैप पे चल रहा है, ठीक है। सो स्टॉक का जो है सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा, लेकिन यस 1 साल या 5 साल में बोला, लेकिन 20 से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी है। आरओसी भी काफ़ी बेहतरीन है 20 के आसपास का। स्टॉक में माइक्रो कैप होते हुए भी डेप्थ काफ़ी कम है, 1 से नीचे है। एंड सीएफओ बाय पैट काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 74% से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो एक माइक्रो कैप में प्रमोटर्स की होल्डिंग ये दिखाती है कि मैनेजमेंट बुलिश है, ओके। एफआई और डीआई जो है उनमें कोई स्टेक नहीं है और कोई भी प्लेस शेयर नहीं है, ठीक है। स्टॉक का जो है नेट सेल्स वो बढ़ा ही है 2016, 17, 18, 19 एंड 2020 में, एंड काफ़ी एग्रेसिवली ये इनका नेट सेल्स बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इनका बढ़ रहा है। अगर कैश फ्लोज की भी बात करें तो नेट कैश फ्लोज जो है सिर्फ 2019 में नेगेटिव में रहा है, अदरवाइज ये पॉजिटिव रहा है और एक असेंडिंग ट्रेंड में है, ठीक है। एंड साथ ही ये भी बता दूं कि जो ये जो है बोनस देने जा रही है जिसका रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर रहेगा, यानी 14 अक्टूबर तक अगर आप स्टॉक लेते हो तो 2:1 में, यानी 2 शेयर के में आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। इसका एक्स डेट 13 अक्टूबर रहेगा, ठीक है। सो ये था बेसिक्स। अब आते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे जो है लांसर कंटेनर जो है वो क्या कर रहा है कि फ्लैग पैटर्न या डार्वस बॉक्स पैटर्न पे चल रहा है। तो अभी जो है ये वाला ब्रेकआउट आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो आज आज के दिन पे जो है ये यहाँ से ब्रेकआउट देने में सक्सेसफुल रहा है, तो आने वाले टाइम पे हम इस स्टॉक को 425 तक के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट बेटर रहेगा आप इसको 400 के लेवल तक को इनिशियली ट्रेड करो,
शॉर्ट टर्म पे भी ये स्टॉक जो है आपको 340 से लेके 360 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। बट अगेन डिस्क्लेमर, एक माइक्रो कैप में आप इन्वेस्ट करने जाओगे, एक ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्ट करने जाओगे जहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट जनरली लग जाता है, तो उस पर आपको स्टॉप लॉस और आपका एलोकेशंस पे आप ध्यान दीजिएगा। अपना स्टॉप लॉस जो है कोशिश कीजिएगा अप्रोक्स, अभी स्टॉक 303 पे चल रहा है तो एक बढ़िया अच्छा खासा स्टॉप लॉस यानी विच इज़ लाइक 200 के आसपास, ठीक है 200 के आसपास या उसके नीचे ही रखिएगा। या अगर आप एलोकेशन ज़्यादा ले रहे हो तो यहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो जो कि लेवल रहेगा 265 यानी 250 के आसपास जो आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर आप इसे इस बड़े टारगेट के लिए अगर ट्रेड करोगे तो। ठीक है, तो ये था लांसर कंटेनर्स, होप आपको वीडियो पसंद आया हो। शॉर्ट टर्म पे भी ये स्टॉक जो है हमें लग रहा है कि काफ़ी बड़े रिटर्न्स देखे जा सकती है, बट अगेन ये एक साइक्लिक बिजनेस है तो ध्यान रखिएगा साइकिल के पीक होने तक का इंतज़ार मत कीजिएगा। जब भी आपको सही प्रॉफिट मिल रहा हो आप निकल लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे।